नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर देखिए आप ये फिलिप्स कंपनी का TL225 इसका मॉडल नंबर है। ये FM मीडियम शॉर्ट, ये तीन बैंड का रेडियो है और ये प्रिंस मॉडल है। तो इस वीडियो में मैं इनमें कंपोनेंट कौन कौन से लगे हुए हैं उसके विषय में जानकारी दूंगा। तो वीडियो लास्ट टाइम तक देखें और मेरे चैनल पे बने रहे और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो देखिए इनमें ये स्पीकर जो है इसी ब्रांड की है, इसकी ये ओरिजिनल स्पीकर है जो फिलिप्स कंपनी का है। आप देख सकते हैं ये लगभग 3 वर्ष से ये रखे हुए रेडियो थे। इसको आज जब मैंने इसके बनाने के लिए खोला तो इसमें बहुत ही जाले लग गए थे। तो आप देख सकते हैं ये इसकी ओरिजिनल स्पीकर है और ये सर्किट जो आप देख रहे हैं, इस सर्किट में सिर्फ इसकी गेन कैपेसिटर जो है वो चेंज है और इसके जितने भी पार्ट लगे हुए हैं वो सभी इसी ब्रांड के हैं, फिलिप्स की ओरिजिनल पार्ट पुर्जे हैं। और ये जो VC आप देख रहे हैं, ये VC जो है इसमें चेंज है और इनमें सभी फिलिप्स कंपनी के लगे हुए हैं। तो देखिए ये जो आप कॉइले देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। ये जो कॉइले लगी हुई है FM वेव की जो है ओरिजिनल कॉइल लगी हुई है। अगर ये कॉइल आपकी ख़राब हो जाए, जैसा मैं यहाँ आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 पिन और ये 2 पिन आप देख रहे हैं, तो ये और ये दोनों ग्राउंड है। ध्यान से देख ले, ये दोनों ग्राउंड है और ये तीनों जो है ये सभी जो है इनके साथ कनेक्ट है। और यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ एक जम्पर लगी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जम्पर लगी हुई है। तो ये और ये दोनों इसका कॉइल का कनेक्शन है इसके अंदर, देख सकते हैं यहाँ पे कॉइल की कनेक्शन है। इनके अंदर ये कॉइल बनी हुई है, आप जैसे ही इनको घुमाओगे तो स्टेशन जो है परिवर्तन होंगे सिर्फ FM वेव के लिए। तो अगर ये आपकी ख़राब हो जाए तो आप इनके जगह जो है किसी भी इस मोड के, आप देख सकते हैं ये सभी मॉडल के, जैसा कि मैं एक कोई सर्किट में आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। तो आप इस मॉडल, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं इस हिसाब से आप इसकी 3 बार लपेट बना सकते हैं, लपेटा दे करके 3 बार इसको रेंज में ला सकते हैं और इनके जगह वो आप इनमें कनेक्शन कर सकते हैं। तो आपकी कॉइलें जो है वो बिल्कुल काम करने लगेगी। तो ये तो हो गई FM की बात, ये FM कॉइल की बात। अब मैं इसमें शॉर्ट वेव और मीडियम वेव के बारे में
जानकारी दूंगा। तो देखिए ये जो है ये दो IFT है, ये सभी बैंड में काम करते हैं, और ये चार ट्रिमर जो लगे हुए हैं तो यहाँ FM और TV के लिए है, और ये मीडियम एक टॉप के लिए है, और ये जो है सिर्फ मीडियम वेव के लिए है, और ये जो कॉइल है इसे ऑसिलेटर कॉइल बोला जाता है, तो ये है शॉर्ट वेव के लिए, और ये तीन ट्रिमर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये सिर्फ शॉर्ट वेव के लिए है, और ये एंटीना कॉइल है ये सिर्फ शॉर्ट वेव के लिए है, और ये दोनों जो है सिर्फ मीडियम वेव के लिए है, और ये आप देख सकते हैं एंटीना कॉइल यहाँ पे दो वायर निकाली हुई है, ये सिर्फ मीडियम वेव के लिए है। अब मैं बात करूँगा इस IC की, तो ये जो IC है इसकी नंबर है, वैसे तो नंबर पहले ध्यान रहता था लेकिन बहुत दिनों से रेडियो बहुत कम ही आते हैं इसलिए नंबर देखना पड़ता है। इसमें 73-68 IC लगी हुई है, और ये जो है 57-10 नंबर की है, तो ये 73-68 नंबर की ऑडियो IC है, तो इसकी सर्किट यहाँ से सिर्फ यहाँ इसकी ऑडियो बनी हुई है, यहाँ एक नंबर है और यहाँ पे 9 नंबर है, ये 9 पिन की IC है। अगर आप यहाँ से इसको कट कर दे और इसको किसी भी 4.5 वोल्ट में जिसकी सप्लाई है उसमें ये लगा करके इस ऑडियो सेक्शन को आप लगा सकते हैं, ये 4.5 वोल्ट की ऑडियो यहाँ से यहाँ ऑडियो बोर्ड है, आप किसी में भी 4.5 वोल्ट में यूज कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ अगर पुराना अगर कोई भी सर्किट है जो बेकार पड़ा हुआ है और उसकी ऑडियो IC सही है ऑडियो सेक्शन, तो आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ से आपको यहाँ कट करने होंगे और यहाँ पे बैटरी की कनेक्शन और स्पीकर की कनेक्शन और ऑडियो की कनेक्शन देकर इसको ऑन करना होगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो लास्ट टाइम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।